नमस्कार, ज्ञान नीति के इस भाग में मैं अनूप से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्ञान नीति के इस अंक में हम सीखेंगे अनुरूपता के तहत अक्षर अनुरूपताओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। अक्षर अनुरूपता में सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आई जे के जे आई एम ओ एन, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए हमें उसका पता लगाना है। इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एम ओ एन ये जो ऑप्शन है इसमें से ये एक सही है जो यहाँ पर आना चाहिए, हमें उस पर टिक करना है। अब आप यहाँ पर देखिए आई जे के, इसको हमने यहाँ पे उल्ट पीछे लिख दिया गया है, मतलब विपरीत दिशाओं में लिखा गया है। आई जे के को उल्टा लिख दिया गया के जे आई, ऐसे ही हमें एम ओ एन के साथ करना है, एम ओ एन को उल्टा लिख देना है तो फिर एन ओ एम उत्तर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मेथड, इसका मेथड उसके बाद उसके अनुपात में ओ टी एम ई एच डी, इसी के बाद लाइकली, लाइकली के बाद क्या आना चाहिए हमें उसको देखना है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा है यहाँ पर आना चाहिए। वैसे अगर हम तुक्का लगाएं तो एल आई एल के एल आई ई वाई ये आ जाएगा, और वैसे ये सही भी है क्योंकि ये वाले जो वर्ड हैं एम ई एच ओ एम ई टी एच ओ डी ये इसमें मिल रहे हैं, तो लाइकली वाले जो वर्ड हैं वो हमें ए में ही मिल रहे हैं और किसी में नहीं मिल रहे, तो ये यहाँ पर बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। पर इसका दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पर देखिए ये जो मेथड है इसका एम यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, फिर ई चौथे नंबर पे, टी दूसरे नंबर पे, फिर एच पांचवें नंबर पे, ओ पहले नंबर पे, फिर डी छठे नंबर पे, इस हिसाब से क्रम चल रहा है, तो हमें भी लाइकली के साथ कुछ ऐसा ही करना है। एल को तीसरे नंबर पे, आई को चौथे पे, के को दूसरे पे, ई को पांचवें पे, एल को पहले पे, वाई को छठे पे, इस हिसाब से हम लगा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा एल के एल आई ई वाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये जे यू पी एन टी एस दिया गया है, फिर पी यू जे एस टी एन ये है, इसके बाद आर के बी एच जी एच, इसके बाद कौन सा आना चाहिए उसमें आप देखिए, जो जे यू पी है इसको उल्टा लिखा गया है यहाँ पर पी यू जे, देख सकते हैं आप इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो एन टी एस है इसको भी यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। इसी तरह से हमको आर के बी को उल्टा लिखना है, उसी तरह एन जी एच को भी हमें उल्टा लिखना है, तो इसका उत्तर आएगा बी के आर एन जी एच। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप देखिए टी एस आर एल के जे, उसी के अनुसार क्यू पी ओ, इसके बाद कौन सा आएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं ये ए बी सी डी के विपरीत क्रम में चल रहे हैं। अगर हम उल्टा देखें तो जे के एल आर एस टी, तो ये ए बी सी डी का क्रम आ गया, पर इसको यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया टी एस आर एल के जे, तो अब हमें यहाँ पर देखना है ये ओ पी क्यू है, अब यहाँ पर ऐसी ऑप्शंस में कौन सा है जो उल्टा चल रहा है। अब आप यहाँ पर ए बी सी डी में हम अगर इसको देखें तो फिर एफ जी एच ये ऑप्शन वाला यहाँ पे आएगा, ये देखिए एफ जी एच है ना, तो यहाँ पर इसका उत्तर हुआ एच जी एफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एन ओ बी बी ओ एन डी एल ओ टी एल ओ टी के बाद क्या आना चाहिए, इसे निकालने के लिए यहाँ पर ये जो एन ओ बी है इसको उल्टा लिखा गया है और प्लस डी कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर एल ओ टी है इसको हम उल्टा लिखेंगे और फिर प्लस डी कर देंगे तो टोल्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हुआ टोल्ड। अगर आपको यह वीडियो
वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानी नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।